press the bell icon for all the updates. ये बहुत लंबी कहानी है क्योंकि एक दो मुलाकातों का सिलसिला था, तीन चार मुलाकात हुई उसके बाद वैसे करके हुई, लेकिन पहली मुलाकात थी जब मैं कुणाल कपूर के ऑफिस में असिस्टेंट था और वो बहुत काफ़ी शी वॉज सपोज टू बी कंसिडर्ड द फेस ऑफ द 90s. जितने भी उस वक्त पे टॉप ब्रांड्स थे, हेयर एंड केयर, कोलगेट, ये वो, क्लोजअप वोजअप सब कुछ कर चुकी थी. तो मैं कुणाल कपूर के लिए असिस्टेंट का काम करता था और मेरे ऑफिस में कोई ऐड थी तो कुणाल ने बोला था कि सारे मॉडल्स को फ़ोन करके बोलना कि उनकी तस्वीरें ज़रा भेज दे, वी हैव टू प्रेजेंट टू द क्लाइंट. तो मैंने मानसी को भी फ़ोन किया था क्योंकि चिनविन ली जो बहुत नामचीन फोटोग्राफर थे, उन्होंने कहा था कि यार फेस ऑफ द 90s वेरी प्रिटी. तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कि मैं कुणाल कपूर का असिस्टेंट बोल रहा हूँ रोहित, तो हम लोग एक ऐड शूट करें, तो आप प्लीज़ अपनी तस्वीरें देखे जाना. तो मानसी का रिस्पॉन्स आया, लिसन आई एम शूटिंग, आई एम बिजी, इफ़ यू वॉन्ट माई पिक्चर्स कम होम एंड कलेक्टेड. ओ माय गॉड, मेरे ईगो को इतना ठेस पहुंचा. मैंने बोला यार मैं कुणाल कपूर का असिस्टेंट हूँ, ये भूल गया कि मैं असिस्टेंट हूँ, मैं कुणाल कपूर का असिस्टेंट हूँ और तुम मुझे घर बुला रहे हो. सेड नो इट्स ओके करके मैंने रख दिया. अच्छा रख तो दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ में दम है तो वो सामने वाला पहचान जाता है. तो ऐसा हुआ कि अगले हफ्ते वो हमारे ही ऑफिस में शूटिंग कर रही थी चिनविन ली के लिए, क्लोजअप के लिए. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड वर यू द वन हु कॉल्ड मी. आई सेड या आई कॉल्ड यू, थोड़ा एटीट्यूड से. एंड बस क्लोज ऑन द हील्स ऑफ दैट, दो तीन दिन बाद वो पहली मुलाकात थी. शी वॉकड इन टू द ऑफिस एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली लुक्ड एट ईच अदर. एंड देन ऑफकोर्स शी केम, ड्रॉप्ड हर पिक्चर्स ऑफ टू मी एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. फिर अप्रोच क्या करना था, फिर मैं बहुत एक चीज़ में मानता हूँ, डेस्टिनी में मानता हूँ. तो हुआ यूँ कि ये तो मुलाकात हो गई, उन्होंने मुझे तस्वीरें दे दी और थोड़ी सी बात हो गई और ये बात ख़त्म हो गई. उसके दो तीन हफ्ते बाद मेरी एक दोस्त हैं, पंडित जसराज जी की बेटी हैं दुर्गा जसराज, तो वो मेरी दोस्त थी, मित्र थी, वो ऑफिस में आई थी. बोला मैं आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सबर्ब्स, यू वांट अ लिफ्ट? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर. तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया. शी सेड आई एम गोइंग टू मीट मानसी जोशी. तो मैंने बोला अच्छा, बोले तू चल रहा है? मैंने बोला हाँ चलता हूँ चलता हूँ. तो मैं दुर्गा के साथ मानसी के घर चला गया एंड मानसी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मी एट ऑल. बस तभी मेरी पहली पिक्चर जज्बात की, वो जो सुचित्रा के साथ पिक्चर है, उसके स्क्रीन में 4-page ऐड आई थी, बड़ी क्यूट सी ऐड आई थी. तो तब लगा था कि यार ये तो क्यूट सा लड़का है. तो मानसी ने भी वो ऐड देखी थी एंड मैं उसके घर में घुसा, मुझे याद है उन्होंने देखा मुझे, ओ इट्स यू. तो मैं समझ गया कि बॉस डायरेक्शन करेक्ट जा रहा हूँ एकदम, गाड़ी बिल्कुल पटरी पर आ चुकी है. सो दैट वॉज द फर्स्ट मीटिंग आई मेट हर देयर. एंड देन एट द एंड ऑफ दैट मीटिंग शी गेव मी अ कपल ऑफ वीडियो कैसेट्स कि ये बड़ी अच्छी पिक्चर है, ज़रूर देखिएगा. मैंने बोला कमाल है, मेरे को दे रही वीडियो कैसेट. फिर बाद में कई सालों बाद मुझे पता चला कि मुझे पटाने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि वीडियो कैसेट ले जाऊँगा तो वापस लेने भी जाना पड़ेगा, फिर मुलाकात होगी. तो वैसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली दिव्या जसराज की तबीयत ख़राब हो गई दुर्गा जसराज की अगले ही हफ्ते. तो फिर देन आई पिक्ड अप मानसी, मेड हर सिट ऑन माय स्कूटर विद हैड नो बैक हैंडल एंड आई टुक हर टू दुर्गा जसराज हाउस टू मीट हर. एंड आई थिंक दैट वाज टेक्निकली आवर फर्स्ट डेट. आई टुक हर टू शिव सागर टू हैव गंगा जमुना एंड मौसम्बी जूस. एंड आई रिमेंबर क्योंकि बॉस पैसे तो थे नहीं, तो वो जो 12 रुपए बहुत. चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग, आई विश आई कैन गो ऑन एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.